देखिए गाइस, मेरे आलू दम बन के रेडी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोथिंबीर और पुदीने का गार्निश करी हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी, प्लीज़ ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर कोई भी न्यू है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आते हैं हम फिर न्यू रेसिपी लेके, तब तक आप एंजॉय कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हाय गाइस, मैं हूँ शिरीन मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दम आलू कैसे बनाना, इजी और वेरी टेस्टी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं दम आलू। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी यूट्यूब इंडिया। देखिए इस तरह से दम आलू के लिए ऐसे आलू लेना होता है छोटे छोटे। तो मैं इसकी स्किन नहीं काटी हूँ, सिर्फ बॉईल करके ली हूँ। आप चाहे तो स्किन भी काट सकते हो। तो दम आलू बनाने के लिए मैं यहाँ 200 ग्राम आलू ली हूँ और बॉईल करके ली हूँ। ये है मेरा जिंजर गार्लिक कोरिएंडर चिली अनियन पेस्ट, और ये है टमाटो प्यूरी, और यहाँ पे है थोड़ा सा तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और जीरा। यहाँ पे मैं कढ़ाई रखी हूँ, अभी हम डालेंगे हमारा ऑयली ऑयल। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हो थोड़ा उसमें, थोड़ा तेल गर्म होगा तो तेज पत्ता जाएगा पहले, फिर जाएगी दालचीनी, फिर जाएंगे लौंग, गरम हो गया है, चटकड़े मार रहे हैं। तो अभी हम डालेंगे इसमें जीरा, ये देखिए जीरा ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अभी पेस्ट डालेंगे हम, टेस्टी बनते हैं दम आलू और इजी भी है। थोड़ा सा भून लेंगे हम, थोड़ा सा तेल लगेगा। खुशबू अच्छी आ रही है। इस तरह से भून लेना है अच्छे से मसाला, इसमें तेल अपने आप छुप रहा है। ये देखिए, अगर तेल दिख रहा है तो समझिए कि आपका मसाला भून चुका है। तो अभी हम डालेंगे इसमें थोड़े चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला और थोड़ा भून लेंगे हम। फिर हम इसमें डालेंगे आलू, आलू को अच्छे भून लेना है। फिर हम डालेंगे टमाटर प्यूरी, खुशबू बढ़िया आ रही है। थोड़ा सा भून लेंगे, आलू अच्छे से भून चुके हैं मेरे, आप देख सकते हो मसाले के साथ। ये देखिए, तो अभी मैं इसमें डालूंगी
पिंक सॉल्ट, अभी मैं डाल रही हूँ टमाटर प्यूरी, इस तरह से अभी इसको हम रखेंगे एक 8 मिनट दम पे रखेंगे धीमी आंच पे, फिर हो जाएगा बनके रेडी हमारा दम आलू। तो चलिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ उसको, 8 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारे दम आलू। तो मैं ढक्कन लगा रही हूँ, मैं देखती हूँ मेरे दम आलू बन गए क्या। चलिए हम चेक कर लेंगे एक बार, जी बन गए हैं आप देख सकते हो। तो अब मैं सर्व करूंगी इसको, थोड़ा आप चाहे तो गार्निश कर सकते हो पत्नी से। देखिए गाइस मेरे आलू दम बन के रेडी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोथिंबीर और पुदीने का गार्निश करी हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी, प्लीज़ ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर कोई भी न्यू है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आते हैं हम फिर न्यू रेसिपी लेके, तब तक आप एंजॉय कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।